चलिए दोस्तों, गंगोत्री को राम राम कहने का टाइम आ गया। बड़े अच्छे दर्शन हुए, आरती देखी और ये इनका मेन चौक है। गाड़ियां यहां तक नहीं आती हैं, गाड़ियों के लिए पहले ही रोक लिया जाता है। ये जितनी गाड़ियां पुजारियों की हैं या फिर यहां पे हॉस्पिटल वालों की हैं या फिर पुलिस वालों की हैं, खाली टू व्हीलर की एंट्री अंदर आती है, अंदर तक आती है। बाकी सामान ले जाने के लिए जैसे व्हीलर में बैठा ना मोटा, ये ऐसे चेयर है, ये 200 रुपये लेती है और ये आपको वहाँ से आपका सामान ले आएगी गाइड में फिर चार धाम का। चलिए जी, बोलो गंगा मैया की जय। जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु, सबसे जगत में ऊंचा है तू। मंदिर परिसर तक जाने में आपको यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक तो हो ही जाता है, लेकिन ये है कि भाई सड़क बनी हुई है, ये यमुनोत्री और केदारनाथ की तरह आपको कच्चे पक्के पे से नहीं जाना पड़ेगा। महाराज जी राम राम, कहाँ जाओगे अब? केदार की, अरे भोलेनाथ की, चार धाम पे निकले हैं पैदल है। कहाँ से आए हो? वो जन्मभूमि तो है हमारी एमपी की, मध्य प्रदेश। अच्छा, अभी रहते हैं प्रभु आपके कमाऊ क्षेत्र। अच्छा अच्छा, तो यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, सब माता के दर्शन हो गए, अब रह गए तो बद्रीनाथ और केदारनाथ। हर साल करते हो या पहली बार आए हो? पहली बार नहीं, पहले हमने 17 में करी, 18 में करी, 19 में करी, फिर बीच में बंद हो गई। ये 3 साल फिर कोरोना खा गया, 2 साल। अरे वगैरह आ जाती है रास्ते में तो क्या करते हो महाराज जी? ये सब कुछ इसमें इंतजाम है। अच्छा। सब कुछ इंतजाम है, छाता है रास्ते के लिए, जैसे कहीं रास्ते में चलते चलते कहीं जल्दी व्यवस्था ना मिली तो अपना कोई बाढ़ दे या बढ़िया सा भरकर वाला। अच्छा, कम्बल आपके पास? तो आप अकेले चल रहे हो, संगत नहीं है? संगत तो देखो जब होती है, जब यक्षे होते हैं। हाँ, कोई सुल्फे वाला है, कोई कुछ है, यक्षे हो ना, अगर हम बैठ गए भजन में और वो लग गए अपनी बात में तो वहाँ संगत खत्म हो जाए। चलो, ना आत्मा होती है, ना संगत होती है, ना भजन। हाँ, विचार मिलने की बात होती है, सबसे बड़ा तो मन विचार है। हाँ हाँ, अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो भजन कहाँ होगा? बिल्कुल, निकले हो। चलिए पंडित जी, भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा सफल करे। राम राम जी, यहाँ कोई रखता नहीं है? ऊपर वाले गंगोत्री वाले सब कह रहे थे कि दरवाटी मिल जाएगा। नहीं है? आगे कौन सी जगह आएगी भाई, किसमें? आप लोगों को पता है मैंने इन लोगों से क्या बात की? मैं बताता हूँ, असल में एक मामला गड़बड़ हो गया है। हमारी बाइक में खाली 3 लीटर तेल है, उत्तरकाशी से लेके और गंगोत्री तक 100 किलोमीटर तक, और आप वापिस जाने में 100 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर के बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अब मैं इनसे पूछ रहा था यहाँ कहीं पेट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को गंगोत्री में बताया गया था कि यहाँ पे मिल जाएगा भैरव घाटी में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब आगे चल के देखते हैं कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं। हम पहुँच गए जी लंका ब्रिज, ये एशिया का पहला या दूसरा सबसे ऊँचा रोड बना हुआ पुल बताते हैं इसको, और इतना ऊँचा है ये कि अगर आप यहाँ से पत्थर फेंकोगे तो ऑलमोस्ट वो करीबन आधा मिनट नीचे गिरने में ले लेगा, इतना ऊंचा है ये। पूरा नीचे गहरा है, नीचे कितनी गहरी खाई है। देख ले वहां पुल बना था, इसका मतलब वहां से रास्ता ऐसे जा रहा है ना? वो पुल बना है ना, तो इसका मतलब रास्ता रहा होगा ना वहां से, तभी तो पुल बना है। तो पुराना रास्ता वो रहा होगा, पहले तो गाड़ियां नहीं आती थी ना, पैदल ही आते थे। हाँ, आ जाओ बाबा, आ जाओ। लो जी, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। केदारनाथ जा रहे हो? हाँ, केदारनाथ जा रहे हो। चलो जी, भोलेनाथ सब कुछ राम जी करो, दर्शन कोई नहीं है, नहीं दर्शन करके आ गए हम। आ गए, जा रहे हैं आप। भोलेनाथ की जय। उत्तराखंड और हिमाचल के ऊपर मैंने एक शेर बनाया है, सुनो, अर्ज किया है। उत्तराखंड और हिमाचल की ये 3 चीजें पहचान है मेरे यार, उत्तराखंड और हिमाचल की ये 3 चीजें पहचान है मेरे यार, पांडवों के मंदिर, मैं किया खाना और अल्टो 800 कार। मैं रोक लूं चाय पी ले? चलो बैठो।
ये जहाँ पे हम भी हमने चाय पी, ये यहाँ का सबसे टॉप का एरिया है, मैं टॉप का एरिया के ऊंचाई पे है। इसका नाम है सुखी टॉप। सुखी एक गांव है साथ में और उसके ऊपर ये नाम बना सुखी टॉप। अब यहाँ से जो है ना अधिकतर उतराई शुरू हो जाएगी उत्तरकाशी तक। अब यहाँ से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने बाइक को बंद करके ढलान का ही फायदा उठाते हुए, ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल सेव हो और हम सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएँ, वरना बीच में तो देखते हैं कहीं मिलेगा तो हमें पेट्रोल लेना पड़ेगा। ऐसे ही चलते हैं ना बंद मोटरसाइकिल में चलते हैं। चल 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 चल। हाँ चल गई गंगनानी पावर प्रोजेक्ट। ये अंदर से कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट वाला था, इनका बंद हो गया, पहाड़ खोद के बना रखा है। अच्छा, मालिक की जिंदगी बिस्कुट और केक, ड्राइवर की जिंदगी स्टेयरिंग और ब्रेक। मैं राउंड लेट करने दे मेरे को टेक। ये हर्षिल का हेलीपैड। रास्ते में ये हर्षिल है, हर्षिल शहर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि हरि भगवान विष्णु ने यहाँ पे पत्थर के रूप में अपने आप को स्थापित किया हुआ है। देखना यार, अच्छी जगह है ना हर्षिल, एक सुंदर जगह है। देख वहाँ पे, देख वो, देख हट्स वो लगे बने हुए हैं, हाँ ग्रीन कलर के। हाँ हाँ, प्लांटेशन तो है ही। पुली करना भाई, बैठी रहे। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, मुझे पता ही नहीं था आगे पेट्रोल पंप है ही नहीं। पहले मैं तो सोच रहा था रास्ता अच्छा होगा, ये तो हो गया शुरू। चलिए भाई, देखते हैं कितनी दूर तक का ऐसा रास्ता है। अब देखते हैं कहाँ तक ये खराब है। बन रहा है, ये धीरे धीरे बन जाएगा। बाबा जी के 3 रुपये अटेड हो रहे भाई। जय महाकाल। रासू बैंड के बाद थोड़ा सा पैच ऐसा है करीबन 2-3 किलोमीटर का जो बन रहा है, और उसके बाद तो जो रोड शुरू हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये रोड ऐसा कैसा ऋषिकेश तक जाएगा, तो हमारा प्लान है कि 6:30-7 तक हम ऋषिकेश पहुँच जाएँ, फिर ऋषिकेश स्टे करेंगे और अगले दिन सुबह 10 बजे वहाँ से हम पिक मारेंगे। अब देखिए जैसे बीच बीच में जो लैंडस्लाइड वो रखी है और ये बन रहा है, इसमें टाइम लग रहा है और यही यात्रा को थोड़ा स्लो डाउन करता है। हर पुल बन रहा है, हर पुल नया बन रहा है। देखिए आप, सरकार जो भी काम कर रही है ना बॉस, जो भी डेवलपमेंट कर रही है वो बहुत ही सोच समझ के कर रही है। अब ये चार धाम के वो ऑल वेदर रोड का नाम दे के का चौड़ीकरण कर दिया, यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा, यात्री ज़्यादा आएंगे तो यहाँ पे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। भले ही 6 महीने मिले, लेकिन ये खुद कहते हैं जी हमें तो 6 महीने बहुत हैं, 6 महीने में हम इतना कमा लेते हैं कि 1 साल का खर्चा हमारा निकल जाता है। 2020 और 2021 में इनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उत्तराखंड का 70% से ऊपर व्यवसाय जो है वो पर्यटन के ऊपर है। अब पर्यटक नहीं आएगा तो ये क्या खाएंगे? अब सबके पास तो गाँव में जमीन नहीं है ना। लो जी, बातों पहुँच गए हम टिहरी डैम। अच्छा, दिल्ली से जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। अच्छा, गंगोत्री से आ रहे हैं। कैसा रश हुआ? अभी तो कम है। ये न्यू टिहरी गांव कहाँ बस आया? न्यू टिहरी ये तो ये सामने है, जो ऊपर जो है ये जो दिख रहा है इसके बैक साइड में, पूरे बैक साइड में। लेकिन ये तो होटल दिख रहा है कुछ मेरे को। हाँ, होटल भी है, नीचे जहाँ वो डैम है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से ऋषिकेश कितना दूर होगा? 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे सड़क ठीक है, यही है रोड फर्स्ट क्लास है। तो आप लोग यहीं से उत्तराखंड के हो? आप लोग भी टूरिस्ट बन के घूम रहे हो? हम तो एंजॉय करने निकले हैं। अच्छा, होता है, देखे हम दिल्ली के हैं ना, हमने कभी कुतुब मीनार नहीं देखा, ना चिड़ियाघर गए हम। कहाँ से आ रहे हो? ऋषिकेश से नहीं, यहाँ से कहाँ से आ रहे हो? हरिद्वार से। रास्ता कैसा है? ठीक है, गाड़ी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं।
इसी के लिए तो दिक्कत होती है सारी। आपने तो बैठ के जाना है। ये चलाने में परेशानी है। एमपी में कहाँ से? एमपी नीमच। हाँ गोंडा नीमच। नीमच अच्छा। चलिए भाई भगवान आपकी यात्रा शुभ करे। हम दिल्ली बैठो। गंगोत्री जमुनोत्री करके आए हम अभी। अरे बहुत पता लग जाएगा। जाओ अच्छा पता लग जाएगा। जाओ एक बार सब। राम राम जी। राम राम। अब ये देखिए इसमें क्या करेगा मोदी और क्या करेगा धामी। सुबह तो सड़क बनाई थी, सड़क गई शामी। सारा सारा पहाड़ टूट के सड़क पे आ गया। चंबा टनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ऐ गल बनी नहीं, ये 5 किलोमीटर छोटा कर देता है रास्ते को, वरना चंबा शहर के अंदर से जाना पड़ता। ये बात अब शाम के 7 हमें बज गए यहीं। सोचा था ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। ऋषिकेश यहाँ से अभी भी 50 किलोमीटर दूर है, तो ये समझ लीजिए 2 घंटे और। 7 और 2 9, 9 बजे जाके हम कहीं ऋषिकेश पहुंचेंगे। ये थे समाचार अभी तक। इंतज़ार कीजिए शाम के 9 बजे तक। लो जी हम पहुंच गए ऋषिकेश, वही 9 बजे के करीब जो एस्टिमेट टाइम हमारा था। हमने ले लिया है होटल तपोवन पे। ये अब तक का हमारा सबसे अच्छा होटल है, सबसे अच्छा रूम है, नीट क्लीन न्यू, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में, 1000 रुपीज ओनली। लक्ष्मण झूला फिलहाल बंद कर रखा है, ये काफी पुराना होने के कारण इसकी मजबूती में कमी आ गई है, तो इसको अब डिसमेंटल करके इसके साइड में देखिए आप, ये पिलर देख रहे हैं साइड में, ये नया बनाएंगे अभी ये। और इस ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये सारा ग्लास का होगा, जिसके अंदर से नीचे से गंगा जी दिखाई देगी और ट्रांसपेरेंट होगा ये सारा। इसका काम चल रहा है, फाउंडेशन बन चुका है। अब इसके अंदर ज़्यादा वो नहीं होता है, फाउंडेशन इसके अंदर मेन होता है, उसके बाद इन्होंने लाना है और केबल लगा देनी है। बाबा बाबा ले लो। हाँ चले ऊपर, वहाँ चले, वहाँ देख उस तरफ, देख उस तरफ, देख रास्ता रास्ता दिख रहा है जाने का। हाँ ऐसी जगह चलेंगे जहाँ गिर गए तो कोई उठाने वाला भी ना हो ना। क्या कह रहे हैं? अच्छा यही रहेंगे। वाह छोटू वाह, डराने को हम ही मिले तेरे को। ऊपर कह रहा ऊपर मत जाना, डराने की क्या पता, जंगल है देखो कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं वो जा रहा है, वो उसको नहीं पता, वो रोज रह रहा है यहाँ पे, यहाँ के रहने वाले। ये देखो कि पंजे से के निशान है। अच्छा ये पंजे के निशान उसके हैं। मेरे को तो यही लग रहा है, डरा दिए इसने। वो बाबा जा रहा ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा ना। सच में रहता है बेटा? सच में यहाँ पे रहता है? तो फिर वो नुकसान नहीं करता लोगों को? करता है। ये पंजे कैसे हैं? ये चीते के हैं। चीते के? तो उसने किसी को अभी तक किसी को नुकसान किया? किसी को नुकसान किया? रात को आता है वो। रात को आता है? एक औरत को खा गया था। अच्छा कितने दिन पहले? बहुत साल पहले। ये देर रात में कैसे निशान हो रहे हैं? ये पंजा रहता है किसी भी। चीते गई, चीते गई। झूठे झूठे नहीं। फिर पंजे के तेरे हाथ में कैसे लग गया निशान? फिर तू छोड़ कैसे दिया उसने? मैं तेरे को छोड़ा कैसे? क्या कह रही है? कह रही है
इसने और डरा दिया। ये बोल रही कि यहाँ पे चीता रहता है लक्ष्मण झूला और राम झूला के बीच में। वो जो अभी भगत जी बता रहे थे वो गलत नहीं था। ये देखिए ये पंजे के निशान है और बिल्ली के नहीं हो सकते क्योंकि बहुत बड़े हैं ये, बिल्ली के छोटे मिलते हैं। हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ये देखिए ये कहीं ऐसा ना हो मैं पंजे दिखाते दिखाते उसके सामने आ जाऊं। ये है गोविंद घाट।